हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ऑलमोस्ट फोन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो अपने प्राइस रेंज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, और दोस्तों 10,000 की रेंज में ये बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है, खास करके पबजी के लिए। दोस्तों इस रेंज में इस फोन को कोई भी फोन टक्कर नहीं दे पाता, चाहे वो रेडमी नोट 7 प्रो हो या फिर कोई और स्मार्टफोन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको ये फ़ोन लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऐसे ही टेक्नोलॉजी या फिर स्मार्टफोन रिलेटेड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में मैं आपको कोई भी टेक्निकल बात नहीं बताऊंगा इस फ़ोन से रिलेटेड, बल्कि मैं आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं कि क्यों ये बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है। सो गाइस, अब बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों इस फ़ोन का नाम है Realme 3 Pro। जी हाँ दोस्तों, ये वही फ़ोन है। Realme ने इसे 14,000 की रेंज में लॉन्च किया था, लेकिन दोस्तों ये अभी आपको Amazon और Flipkart पर 10,000 में मिल जाएगा, और दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया डील है। तो दोस्तों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाइए वहाँ से चेक कीजिए। अगर आप परचेस करेंगे तो थोड़ी सी चैनल की भी सपोर्ट मिलेगी, जिसकी वजह से मैं आपको ऐसे ही और वीडियो लाता रहूँगा। सो गाइस, अब बात करते हैं कि इस फोन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस फोन की स्पेक्स की बात करें तो दोस्तों इस फोन में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 710, जो कि काफ़ी अच्छा सीपीयू है। और दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलता है एड्रीनो का 616 सीपीयू, जो कि एक धमाकेदार कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस फोन में मिलता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस IPS वाला डिस्प्ले, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। और दोस्तों इस फोन में आपको 4045 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और दोस्तों ये 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन को हमने कंपेयर किया था Redmi Note 7 Pro से। सो गाइस, परफॉर्मेंस में सबसे पहले हमने खेला था PUBG मोबाइल को। तो दोस्तों PUBG मोबाइल में अगर दोनों फ़ोन की इन गेम सेटिंग की बात करें तो दोस्तों स्मूथ और अल्ट्रा ग्राफिक्स दोनों फ़ोन में आपको देखने को मिलता है, और साथ में जब हमने गेम को प्ले किया तो दोस्तों आपको Redmi Note 7 में आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा था, और Realme 3 Pro में आपको एकदम 40 FPS कॉन्स्टेंट मिल रहा था। एक दो फ्रेम अप डाउन हो रहा था, जिसकी वजह से आपको कोई लैग महसूस नहीं हो रहा था। वहीं दोस्तों Redmi Note 7 Pro में आपको 10 फ्रेम तक डाउन होने के कारण आपको लैग महसूस हो रहा था। इसके बाद दोस्तों हमने दोनों फ़ोन में खेला था स्पॉट। तो दोस्तों स्पॉट में भी काफ़ी अच्छा Realme 3 परफॉर्म कर रहा था, और दोस्तों Redmi Note 7 Pro की बात करें तो दोस्तों ये 15 से 20 FPS ही निकाल रहा था। वहीं दोस्तों Realme 3 Pro में आपको एकदम 30 FPS कॉन्स्टेंट रह रहा था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमने दोनों फ़ोन में खेला था फोर्टनाइट। तो दोस्तों फोर्टनाइट में आपको लो और मीडियम दोनों फ़ोन में आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है, और दोस्तों अगर FPS की बात करें तो दोस्तों फोर्टनाइट में आपको 30 FPS एकदम कॉन्स्टेंट मिल रहा था Realme 3 Pro में, और वहीं पर फ्रेम ड्रॉप हो रहा था Redmi Note 7 Pro में। अब दोस्तों अगर दोनों फ़ोन की टेम्परेचर की बात करें तो दोस्तों AC में हमने टेस्ट किया था तो ये 39 या फिर 38 या 40 तक जा रहा था, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे नॉर्मल यूसेज में खेलेंगे तो दोस्तों ये 45 के अंडर रहेगा। सो दोस्तों अब काफ़ी सारे लोग कमेंट में ये बोलेंगे कि Redmi Note 7 Pro का एंटूटू बेंचमार्क काफ़ी ज़्यादा है Realme 3 Pro के मुकाबले। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि दोस्तों स्कोर कुछ मैटर नहीं करता है, ओनली मैटर करते हैं तो वो परफॉर्मेंस, जो कि आपने स्क्रीन पर लाइव देखा है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप Realme 3 Pro को बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से बाय कर सकते हो, उसकी वजह से थोड़ा सा चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी रिलेटेड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।